लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था कि जैसे बच्चे जब अपना कुदरत का करिश्मा कर देते हैं ना पेंट में, तो उनकी ड्रेस बदल जाती है ना, ब्लू से मेहरून हो जाती है। तो अब ड्रेस ही नहीं बदलती है उनको, मतलब घर से घर के लिए भी रवाना कर देते हैं। अब स्कूल वाले क्या करते हैं, कॉल करते हैं, है ना, कॉल। अपने यहाँ तो मेरा ही बताता हूँ मैं, मेरे यहाँ तो फ़ोन नहीं था उस टाइम पे, तो मोहल्ले पड़ोस में आता था। अब मोहल्ले पड़ोस में गया मतलब उस घर में पता चल गया, उस घर में पता चल गया मतलब उस घर के बच्चों को पता चल गया। अब वो बच्चे आपसे बड़े हैं, है ना, आपसे बड़े ही हैं, क्योंकि आप तो LKG में हो, तो कोई भी आपसे तो बड़ा ही होगा, या तो आपके बराबर का होगा, लेकिन आपसे मेरे से बड़े थे वो। अब उनको पता चल गया। अब इसके बाद भैया अब मोहल्ले से किसी को भेजना पड़ेगा, या तो घर वाले कोई जाए। अब घर से क्या है, कोई जाता नहीं था, है ना, चाचा अपने शहर में रहते थे, पापा ऑफिस गए हैं या जो भी है, मम्मी काम कर रही है, बुआ सीधा मना करती थी, छी ऐट ये क्या है। और फिर मोहल्ले से, मोहल्ले में जो व्यवहार होते हैं वो काम आते थे। फिर मम्मी किसी को पकड़ के, जो भी एक लड़का जो मतलब अगर स्कूल है स्कूल नहीं गया, कॉलेज है कॉलेज नहीं गया, कॉलेज कर लिया लेकिन जॉब नहीं लगी, तो फिर वो कहीं नहीं गया, तो वही फिर जाएगा आपको लेने, है ना। वो अपना परमानेंट वाहक रहता था, लेने आता था, तो उसको रजामंदी करके, और वो भी क्या घूमना चाहता था, वो आ जाता था। अब भैया स्कूल तक वो आया, अब उसकी डील होगी किससे, टीचर से नहीं होगी, उसकी डील होगी सीधे गेट पे ही, है ना, जहाँ से स्कूल में एंटर होते हैं वो गेट पे ही, और गेट पे वो आंटी लेके खड़ी रहेंगी। फिर वो आंटी वहाँ पे पूछेंगी भैया, है ना, कंसाइनमेंट देने से पहले सवाल जवाब होंगे कि क्यों तुम कौन। आंटी मैं पड़ोस में रहता हूँ, तो उनके घर से और कोई क्यों नहीं आया, वो सब बाहर है, तो और आंटी ने बोला तो ला लो, तो मैं ला लिया, मैं आ गया मतलब लेने। अच्छा, तो बोलना ज़रा इसकी मम्मी को कि घर से सब अच्छा सब करा के भेजा करे, ये क्या स्कूल में पढ़ने आता है कि ये सब करेगा। हाँ आंटी छोटा है, अब थोड़ा चल जाता है, ठीक है धीरे धीरे सीख जाएगा। हाँ वही, अब अभी से आदत डालना पड़ता है, ऐसे नहीं सीखता कोई। हाँ ठीक है आंटी, बोलिए। वहाँ से भैया ये सब हो गया, अपन ने भी देखा भैया अच्छा लड़का है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतनी समझदारी से बात कर रहा है, अपने अपने अपोज में नहीं आया, अपना अपना साथ दे रहा है कि छोटा है, जा रहे साथ में। जैसे ही थोड़े से दूर गए, पट से एक चाटा मारा उसने कि वे घर पे नहीं कर सकता, तो घर पे मेरे हाथ में है क्या कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ कर दूँ, है ना। और मेरे को क्या ब्लू ड्रेस पसंद नहीं, मेरे को मेहरून बहुत पसंद है। बोला ठीक है बेटा, चलो चलो मार खा लिए चले। अब थोड़ी देर चले, बैग भी अपनी टांग रहे हैं, सब बॉटल भी अपनी, सब बॉटल में से पानी वो पी रहा है। फिर रास्ते में और एक कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं, फिर वो पूछ लेते हैं कि वो टिफ़िन क्या लाया था, टिफ़िन देख लेते हैं, टिफ़िन बचा है तो भैया वो टिफ़िन खाते हुए फिर घर जाएंगे, अगर है तो खा लेते हैं। अब इसके बाद रास्ते में उनकी पूरी मंडली मिलती है, वो तो लाइसेंस लेके निकल गया कि भैया मैं अपने ये मेरे को असाइनमेंट मिला है, ये असाइनमेंट कर रहा हूँ, तो मैं 1 घंटे के लिए बेल पे निकला हूँ घर से, तो उसको घर जाने में कोई दिक्कत नहीं। वो सीधे बोल देगा कि आंटी से पूछ लो, आंटी ने भेजा था, आंटी काम से गया था, फालतू घूमता नहीं मैं, मेरे को कोई शौक नहीं है, वो तो मुश्किल आना था, अपने नाम से वो निकल गया। अब रास्ते भर वो भैया अपनी पूरी आवारागर्दी करते हुए आ रहा है, जो भी लड़के मिल रहे हैं उनको लड़के को बता रहा है, देख देख इसके कपड़े, ड्रेस देख ड्रेस, क्यों रे गाल खींच दिए, बाल खींच दिए, पड़ से पीछे मार रहे, आगे मार रहे। अरे बच्चे को यार भैया बहुत बहुत जुल्म होते हैं नॉर्मली बच्चे पर भी, अगर आप ध्यान दें तो। अब ठीक है, अपन सब सहते हुए, बचपन से ही सह रहे हैं, ये देखो मतलब बचपन से ही बहुत दृढ़ बना रहे हैं आदमी को आप, है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसा कमज़ोर फील करने वाली नहीं। ये सब चीज़ें होती हैं तभी से आदमी अपने आप में थोड़ा सा सख्त होते आता है। वहाँ से ये सब सहते हुए रास्ते में इन सब चीज़ों का, और अगर लग रहा है तो वो पूरा राउंड घुमाएगा, कहीं पे भी रुक जाएगा, बैठाल देगा, बातें करेगा। अब ये सब करके अपन पहुँचे घर, घर पहुँचे तो घर में क्या, हमारे ऐसे 4 ब्लॉक थे, 4 ब्लॉक में से अब यही दिमाग में रहता था कि भाई सब अपने घर में रहे, जिस टाइम मैं घर वहाँ में अपने घर के अंदर प्रवेश करूँ उस टाइम सब मेरा दिमाग में रहता था कि सब लोग अपने घर में रहे, मेरे को कोई देखे नहीं। लेकिन वो बंदा मोहल्ले में आके फिर थोड़ी देर रुक जाएगा, वो तो घर भी नहीं घुसेगा ना, वो जब तक वहाँ है तब तक वहाँ, एक बार घर में घुसा तो उसकी मम्मी भी उसको आने नहीं देगी, तो वो मेरे को लेके वहाँ रुक जाएगा। अब इतनी देर में भाई कोई ना कोई तो खिड़की से देखेगा, अब खिड़की से देखा, अरे वो फिर आंटी ने देख लिया, अगर किसी भी आंटी ने देख लिया तो आंटी भी चुपचाप नहीं रहती है, आंटी बोले अरे वो पीयूष आ गया, फिर बच्चे हाँ हटो हटो हटो, अरे क्या हो भाई तूने भी करा होगा, अब तू बड़ा हो गया तो मतलब ऐसा करेगा, ठीक है देख रहे हैं भैया, देखा देखा। फिर अपन थोड़ा सा हाथ पाथ झटकने की, चलो मेरे को छोड़ दो, अरे वो छोड़ नहीं रहा, मम्मी मम्मी
शर्ट से, फिर उसको समझ में आता है कि नहीं अब ये रो रहा है, इसका काम डन हो गया है, तो ज़्यादा होशियार बन रहा है। फिर आती है मम्मी, मम्मी आती है या तो फिर यही छोड़ देता है, फिर अपन घर गया। मम्मी अगर पूरे काम वाम निपटा के बैठी हैं तो मम्मी हिसाब से आपकी सेवा कर लेंगी, ठीक है भैया जो भी है, तेरे को बोला था ये अभी फालतू अब कल से बिल्कुल लेट जाना लेकिन बिल्कुल अच्छे से आना, मम्मी अच्छे से कर। और अगर मम्मी का दिमाग ख़राब है तो मम्मी पहले से ही घर में घुसतन से ही 2-3 प्रवेश शुल्क सेट सेट दे दिया, अपन ने भी लिया, अब खाना ही पड़ता है। पापा ऐसी चीज़ों में नहीं मारते, ये सब चीज़ें तो नेचुरल है। पापा को मालूम है कि अब ये पापा कभी बहुत ही दूसरा कोई मैटर रहा तो उस केस में पापा सुताई करेंगे, है ना। और अगर चाचा लेने गए तो चाचा का काम तो ऐसा है कि भैया टास्क है, चाचा बहुत सही उठाया, सेट से ड्रॉप किया और अपने काम पे, तो रास्ते का जो शोषण है ना वो शोषण बच जाता था। तो बस यही शोषण होता है बच्चों के साथ और ये नॉर्मली सभी के साथ होता है, तो मैंने सोचा कि आपको रिवाइज़ करा दूँ, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो देख के कोई ऐसी मेमोरीज क्लिक हुई हो, ये शेम वॉक जो मैंने बताई है, जो अपन आते हैं ना किसी के साथ तो वो बंदा याद हो कि जो आपके साथ ऐसा करता हो और वो अभी हो, तो उसको बताओ कि देखो ये सब आपने मेरे साथ करा है और ये सब बहुत गलत करा है और बदला लेने का टाइम आ रहा है, अब उनके भी बच्चे बच्चे हो रहे होंगे, तो उनको बताओ कि अपने बच्चों को संभाल के रखना और समझा देना कि करना मत, नहीं तो मैं जाऊँगा और मैं अच्छा घुमा के लाऊँगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें।